किसान मंच कार्यक्रम में, कृषि मंच कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी से कि वो मंच पर आए और उनके साथ साथ जो मेहमान होंगे डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान, इंजीनियर इन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मिकाडा, उनसे चर्चा करेंगे। कृषि पर चर्चा होगी, बागवानी विषय पर चर्चा होगी और जिस सूक्ष्म सिंचाई का जिक्र किया जा रहा है लगातार कि सूक्ष्म सिंचाई के बूते किस तरह से किसानों को उन्नत किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अतुल प्रताप जी, ओवर टू यू। धन्यवाद रवि। जेपी दलाल साहब, बहुत सारे इंडिया न्यूज हरियाणा के कार्यक्रम के मंच पर जब आप शरीक होते थे और उस वक्त हम जब सवाल करते थे तो लगता था कि क्या मैं सिर्फ एक तरफा सवाल किए जा रहा हूं और आप एक तरफा मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपकी मेहनत यहां पर दिखाई दे रही है। और मैं फिर से बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को भी और खासतौर से कृषि मंत्री जी को। मैंने इस क्षेत्र में आकर, मैं पहली बार भिवानी के इस क्षेत्र में आया, बहल में मैंने आके मिट्टी को देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर क्या उगता होगा। और चूंकि मैं खुद एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे इस मिट्टी में क्या उग सकता है और क्या चुनौतियाँ हैं इसका बारीकी से ज्ञान भी है। उस पर हम चर्चा भी करेंगे, खुद जेपी दलाल साहब से आज कुछ और नए रोचक सवाल होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है कादियान साहब। कादियान साहब, आप चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर भी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है इरिगेशन, सबसे पहले तो समझाइए कि है क्या, सूक्ष्म में तो मैं बाद में जाऊंगा। देखो, पानी खेती के लिए भी और जीवन के लिए भी सबसे आवश्यक एलिमेंट्स में से है जी। और ये वाला वो एरिया है जहां पे संभवतः ग्रेविटी से पानी नामुमकिन है जी। बंसीलाल जी ने अपने समय में एक परिकल्पना की और हमने जूई लिफ्ट स्कीम पहली स्कीम बनी जो उनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान थी। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को लगभग ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड रहा जी। हमें जमुना का पानी मिलता है समुद्र तल से 210 मीटर की ऊंचाई पे और ये जो हमारा एरिया है ये लगभग 350 मीटर सी लेवल से ऊपर है जी। तो यहाँ पे पानी लाने का एकमात्र तरीका है कि इसको लिफ्ट के माध्यम से यहाँ पानी लेके आए। मैं 2016 से जब जेपी दलाल जी यहाँ पे उप अध्यक्ष थे पार्टी के, दिन रात ये गांव गांव के अंदर जाके, एक दिन में 5 गांव 6 गांव, कई बार मुझे भी मौका मिला इनके साथ जाने का, जितनी शिद्दत से इन्होंने काम किया है मुझे लगता है कि अगर सभी लोग उसका थोड़ा सा हिस्सा भी उतनी ताकत से काम कर लें तो नक्शा बदला जा सकता है। बड़ी बात है भाई, जोरदार तालियां। इस एरिया में जितना पानी आता था, पहले जितना पानी आता था लगभग 300 क्यूसेक टोटल पानी हमारी जो लोहारू फीडर से आता था, आज उसमें 950 क्यूसेक पानी आता है। ऐसे ही हमारा जो सिवानी वाला एरिया है उसमें पानी लगभग 150 क्यूसेक रहता था, वो 450 क्यूसेक है जी। इस एरिया के अंदर लगभग 200 एकड़ के अंदर वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी जिनमें मॉनसून का पानी हम रोकेंगे। सूक्ष्म सिंचाई के मेरे ख्याल में लगभग 3000 प्रोजेक्ट यहाँ पे लग चुके हैं। वाटर कोर्सेज का जो काम है वो लगभग 112 करोड़ का काम इस एरिया में हो चुका है जिसमें 181 में से 80 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। जो जितना काम मंत्री जी ने अपने समय में इसमें किया है उसका मुकाबला ही नहीं है और अभी भी ये दिन रात लगे रहते हैं। जब भी मेरी बात होती है सिर्फ एक इनका उद्देश्य होता है, भाई पानी कितना का जाएगा। तो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जितनी निस्वार्थ सेवा माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने इस एरिया के लिए की है, मेरे को नहीं लगता कहीं पे और ये काम हो रहा है। भाई देखिए, जो सच है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब कादियान साहब, मेरा सवाल दूसरा है कि ये जो इस क्षेत्र की चुनौतियां थी उसमें सिंचाई को लेकर, इरिगेशन को लेकर, उसमें फिर सूक्ष्म सिंचाई का जब जिक्र होता है तो ये सूक्ष्म क्या है और क्यों है जी? क्योंकि जब हम पढ़ाई के दौर में थे तो हमें बताया जाता था कि किन क्षेत्रों में, किन जगहों पर, किन फसलों के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है, उससे क्या बचाव हो सकता है, क्या समस्याएं जो है खड़ी उनसे निजात मिल सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर बेल्ट की क्या दिक्कत है? हरियाणा वाटर की कमी वाला स्टेट है,
हमें लगभग 36 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, हमारे पास सिर्फ 20 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, जिसमें नहरों का भी पानी आ गया और जो बारिश का गिरने वाला वो पानी भी आ गया। जो बचा हुआ हिस्सा है पानी का, उसको लोग या तो जमीन से निकालते हैं या बरानी खेती करते हैं। इस एरिया में मोस्टली खेती बरानी होती थी। बरानी का मतलब है बारिश होगी तो खेती हो जाएगी, नहीं तो नहीं खेती होगी। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तरीका निकाला गया कि खेती में सिंचाई आप माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से करें, सूक्ष्म सिंचाई, यानी कि पौधे को उतना ही पानी दे जितना आवश्यक हो, पूरी जमीन में पानी ना भरें। जैसे आपने देखा होगा पूरे खेत में पानी भर, बिल्कुल बिल्कुल वो संभव नहीं है। अगर हम सूक्ष्म सिंचाई लगाते हैं तो हम 3 गुना एरिया ज्यादा सिंचित कर सकते हैं। मुझे लगता तो है मैं थोड़ा सा इसको जोड़ूंगा, क्योंकि दलाल साहब का फोकस हमेशा इसमें टेक्नोलॉजी पर रहता है, और पिछले दिनों जब मैं इनसे जुड़ा था भाई के मंच पे, तो जापान के दौरे पर भी थे दलाल साहब, मुझे लगता है कि जब भी इन बातों का जिक्र हो रहा था, इसराइल हो गया, ऐसी कंट्रीज हो गई जहां पर पानी की समस्या है और वहां पर वो ड्रॉप सिस्टम के हिसाब से ऐसी सिंचाई करते हैं, ये जो पैटर्न था सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, हरियाणा फॉलो कर रहा है। हरियाणा, एक तो इसराइल के साथ हमारा समझौता है जी, बागवानी में भी समझौता है, सूक्ष्म सिंचाई में भी समझौता है, और उनकी जो तकनीक है उसके बराबर या उससे बेहतर तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे बेहतर तकनीक, बिल्कुल। कितने किसान इससे जुड़ गए? इससे मुझे लगता है टोटल हमारे पास 43,000 एप्लीकेशन आई थी, अगर उसमें मोटे तौर पे अगर 5 से गुना करें तो लगभग 2.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं। हमारा टारगेट था 90,000 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई लगाने का, जिसको हमने रिवाइज करके 1,60,000 एकड़ कर दिया। ये 2.5 लाख किसान कितने सालों में जुड़ गए? 2 साल में। 2 साल में भाई, जोरदार तालियां। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो बेहतर कदम है, और भी किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न, जो सिंचाई के साथ साथ कुछ और चुनौतियां थी पानी को लेकर, पानी के लेवल को लेकर, क्या सूक्ष्म इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हैं उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी भी किसानों को दी जा रही है सरकारी सब्सिडी के तौर पर, सरकार की मदद से कुछ और भी उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू किए जाने हैं? 3 बड़ी परियोजनाएं इस क्षेत्र में लागू हैं। पहली तो है माइक्रो इरिगेशन की योजना, जिसमें 85% तक की सब्सिडी सरकार देती है, यानी कि सरकार का 85% है, और उसमें पहले जो हम मात्र 2 वेंडर्स या 2 या 3 वेंडर्स थे, इस वक्त हमारे वेंडर का सिलेक्शन टोटल 104 वेंडर्स की लिस्ट है हमारे पास, 27 के करीब वेंडर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं, अपना स्टॉल उन्होंने लगा रखा है, किसान स्वयं अपने आप वेंडर चूज करता है, उसके बाद हम उसको सब्सिडी ट्रांसफर करते हैं। पहली सूक्ष्म सिंचाई योजना, दूसरी अटल भूजल योजना, जिसमें भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने उसको फंड किया है, वो हालांकि सीमित क्षेत्र में लागू है, जिसमें 36 ब्लॉक 14 डिस्ट्रिक्ट के कवर किए गए हैं, 1656 पूरे हरियाणा के गांव कवर किए गए हैं, उसका दायरा छोटा है लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी सारे काम इस क्षेत्र में किए हैं। और तीसरा है हमारा नहरों का नवीनीकरण, जो नहर और हमारा लिफ्ट सिस्टम है जिसमें पंप्स है, मोटर्स है, पंप हाउसेज हैं, इन सारों के तालमेल से जो हम अधिक पानी लेके आ सकते हैं, जो पानी का बारिश का है उसको संचित कर सकते हैं और उसका इफेक्टिव यूज माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से करते हैं, ये सब हम काम कर रहे हैं। तो ये तीनों योजनाएं यहाँ पे हमने लागू की हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में हरियाणा भारतवर्ष का पहला राज्य होगा जो पूरी तरीके से वाटर सिक्योर स्टेट होगी। देखिए बड़ी बात है, आने वाले 5 सालों में हरियाणा पूरे देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो कि पूरी तरह से वाटर सिक्योर होगा, यानी पानी से जो हमारी चुनौतियां थी वो सिक्योरिटी कम से कम श्योर हो जाएगी। जो फसलों का अलग अलग विविध स्वरूप होता है, और सॉयल क्वालिटी कहाँ की क्या है, किस तरीके की सॉयल है वहाँ पर, उसके हिसाब से फसलें दी जाती हैं, क्या पर्टिकुलर जो माइक्रो इरिगेशन है उसको आप लोग कैटेगराइज करते हैं कि इन फसलों में उसका इस्तेमाल किया जा सके? क्योंकि कई ऐसे फसलें हैं जिनमें पानी की वो परंपरागत विधि ही चलती है कि आपको एक जगह से पानी खोलना और पूरे खेत में पानी जाएगा, लेकिन कुछ फसलें हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी के जरिए जिनको आप ड्रॉप आउट करते हैं और उनमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो वो चिन्हित करके भी आप लोग बता रहे हैं? बिल्कुल किया है। हरियाणा भारतवर्ष का पहला राज्य है जिसने हर गांव के वाटर लेवल को नाप लिया है, और जितना गैप मिला है एक गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लान बना के, जितना पानी का गैप है गांव के हिसाब से उसके अनुरूप ही हम खेती का सुझाव उनको दे रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 2-3 साल में ये बदलाव आप ग्राउंड पे देखेंगे। इस बार पहली बार सबसे ज्यादा क्षेत्र हमने DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जिसमें आप
खुले तौर पे पानी देते थे। जनरली चावल की फसल में 7 दफे पानी देना होता है। बिल्कुल, जो पहला पानी होता है वो सबसे अधिक होता है, उसकी मात्रा 20% होती है। उसको DSR के माध्यम से अगर करते हैं तो लगभग उसका 1/4 पानी उसमें लगता है, तो सीधा सीधा बिजाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं DSR। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें लगभग 1,00,000 एकड़ का एरिया हमने कवर किया है, जिसमें सीधा सीधा आपने ये मूवी देखी थी उसमें 7,000 किसान को सीधा बेनिफिट दिया जाता है, जिससे कि वो पानी वाली फसलों को छोड़ के कम पानी वाली फसलों को उगाए। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर विभाग ने सारी जमीनों का एक हेल्थ सोयल कार्ड जिसको कहते हैं वो बनवाया है, उससे किसान खुद भी सचेत हुआ है कि मेरे को ज़्यादा देर तक अगर मैं धान वाली फसल उगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हो सकता है मेरी जो उपजाऊ ताकत है ज़मीन की वो इतनी गिर जाए कि आगे फसलें पैदा करने लायक ही ना रहे। किसानों में भी चेतना है, और आप ये समझते हैं कि देश में किसान को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो कौन सी फसल कहाँ उगाए, लेकिन अब वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो धीरे 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 शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला, जैसे पहले एक बड़ा चैलेंज आता था कि मार्केटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, आज मार्केटिंग की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर की मंडी गन्नौर में बनने जा रही है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 550 एकड़ है, और उसमें 10 से 12 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार। उसका टेंडर छूट चुका है, ग्राउंड पे काम चालू हो चुका है। मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर वहाँ पे बिल्कुल फसलों का जो व्यापार है वो शुरू हो जाएगा, और वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा। हरियाणा ही नहीं, पूरे रीजन के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा वो। चलिए कुछ आखिरी सवाल। अब यहाँ पर जैसा आपने बताया कि बहुत सारे किसानों में बदलाव आया है, वो बदलाव आप लोगों की पहल से, मंत्री जी, उनके मंत्रालय, आप अधिकारी लोग हैं, आप लोगों के, आपके कर्मचारियों की वजह से है, या फिर उनका खुद का भी माइंडसेट बदल रहा था कि नहीं, जो ट्रेडिशनल एक फार्मिंग का हमारे अंदर कल्चर था कि हाँ धान गेहूँ बस इतने में थे, उससे अलग जब आपने ऑप्शन दिया तो उनको लगा कि हाँ अट्रैक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है और साथ में कलेक्टिव भी है। देखिए, इस सारी बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसान को जाता है। वही है हमारा सबसे बड़ा आगू, सबसे बड़ा मार्गदर्शक। हम जो सरकार की ओर से प्रयास करते हैं वो एक हैंड होल्डिंग का प्रयास है, करना उसी को है। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो सार्थक हैं और किसान बदलाव की ओर स्वयं बढ़ रहा है। ठीक बात है। अब दूसरा कि जब सॉयल टेस्टिंग की आप बात करते हैं, हमने सबसे पहले कमोबेश पढ़ाई के दौर में तो मैंने सुना था, लेकिन राजनीतिक दौर में बहुत लंबे समय तक मैंने नहीं सुना था, 2014 में प्रधानमंत्री से मैंने सुना था। उस पूरे पैटर्न को हरियाणा में किसान ने कितना फॉलो किया और उसमें आपका डिपार्टमेंट, उसकी वजह से उसमें कितना उसको लाभ मिल पाया, जो आपका डिपार्टमेंट का मेन रोल है? सबसे बड़ा मैं बताऊंगा कि अगर मैं एक कट ऑफ पॉइंट लूं कि वर्ष 2000 से लेके 2014 तक की अगर हम फिगर देखते हैं और 2014 से 2023 में हम बैठे हैं इसकी फिगर लेते हैं, तो आप इसके अंदर कोई लीनियर बदलाव नहीं, गुणात्मक बदलाव दिखेगा, गुणात्मक बदलाव। जो हमारा माइक्रो इरिगेशन है उसमें औसतन हम लगभग 20,000 से 25,000 एरिया को कवर करते थे एकड़ को एक साल में, अब हमारा टारगेट 2,00,000 एकड़ प्रति वर्ष का है। हम जहाँ पे वाटर लॉगिंग थी, लगभग 10% एरिया हरियाणा का वाटर लॉग्ड है, 2000 से लेके 2014 तक हमने लगभग 20,000 एकड़ को वाटर लॉगिंग को खत्म किया, 2014 से लेके 2023 तक हमने लगभग 1,25,000 एकड़ को सवा लाख। आप ये बदलाव देख सकते हैं कितना है। हर चीज में गुणात्मक बदलाव है, किसानों के लाभ, जो किसानों को बेनिफिट ट्रांसफर होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से है, चाहे वो नहरों पे इन्वेस्टमेंट करके, नहरों की इन्वेस्टमेंट अगर मैं इस क्षेत्र की लगाऊं तो 2014 से लेके 2023 तक लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जो पानी हम 3 गुना लेके जा रहे हैं वो सिर्फ यही तरीका है। और अगर मैं 2000 से 2001 का अगर फिगर लगाता हूं तो वो 100 करोड़ के करीब टच करती है। 8 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट किसानी के लिए किया गया है। ऐसे ही जो मिकाडा का बजट था हमारा, लगभग 75 से 100 करोड़ रहता था, आज की डेट में 900 करोड़ रुपए बजट है। 900 करोड़। तो हर चीज के अंदर आप ये मान के चलें कि कई गुना परिवर्तन है, और ये जो बदलाव है
उसका सीधा सीधा नतीजा आप क्रॉप प्रोडक्शन से देख सकते हैं। इस एरिया की जो क्रॉप प्रोडक्शन थी 2001 से लेकर 2014 का औसत निकाल लें प्रतिवर्ष का, और 2016 से लेकर 2023 तक निकाल लें तो आपको 2 से 2.5 गुना उनकी टोटल क्रॉप प्रोडक्शन में फर्क मिलेगा, फर्क होगा, इजाफा। ये क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ ये नहीं है कि एक नंबर हम दिखा दें कि हम यहां से लेके यहां तक पहुंच गए, ये पूरे भारतवर्ष की और पूरे दुनिया की फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। इससे जो जो ये वृद्धि हुई है उससे किसान की आय में इतनी गुणात्मक वृद्धि हुई है कि उसको इनकम हुई है। ऑफकोर्स इनपुट्स में बढ़त हुई है, जो किसान के इनपुट थे उनमें बढ़त हुई है, पर आप ये भी मान के चलें कि उसकी आउटपुट, उसके प्रोडक्ट की सिक्योरिटी, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, उन सब में भी गुणात्मक बदलाव आया है। चलिए, बड़ी बात है और बहुत शुभकामनाएं काजान साहब आपको, आपके विभाग को, मिकाडा को और मंत्री जी को, मंत्रालय को, और सबसे पहले इन बैठे हुए तमाम किसानों को खुद मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाएं अपने लिए। जो बदलाव विभागों की तरफ से कराने के प्रयास किए जाते हैं उसमें अगर आपका योगदान होगा तो फिर श्रेय भी आपके नाम होगा।